सामान उधर से इधर ले आने। कैसे गिर गए थे? सामान उठाने के लेके आने। हाल ही में मुंबई की मुलुंड बस्ती में बिल्डर ने जबरदस्ती लोगों के घर तोड़वाकर हम सबको खुले आसमान में छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि लोग बारिश के दिन पे सब अपने बच्चों को लेकर रास्ते में कैसे रहेंगे। सोमवार की नोटिस दिया, मंगलवार के 9 बजे तोड़ना चालू कर दिया। एक भी सामान वो जो बिस्तर उस्तर वही सब लोग निकाला है और सब खाने वाला बर्तन सब वही में ढाक दिया। अभी हम लोग के डंडा ले लेके बाहर निकाला, बोला नहीं करो नहीं तो मैं इन्हें तो बुलडोजर चला के तोड़ देगा। पूरा तोड़ डाला उसने, पूरा सामान भी मन निकालने भी नहीं दिया उसने, पूरा तोड़ डाला सामान का, सारे खिलौने बच्चों का, साइकिल, 2 सिलेंडर था, 1 सिलेंडर का चूल्हे पूरा टूट गया, पाइप पूरा फट गए, बहुत नुकसान हुआ। उम्मीद था कि नहीं टूटेगा ये सोच के हम लोग रुके थे। सुबह अचानक ने तोड़ना चालू कर दिए, वो लोग देख रहे खोल खोल के बोले सामान निकालो। तो कितना दिन हो गया घर टूट गया? घर टूट के 12 दिन हो गया, तो इधर कोई दिखा नहीं। तो आप लोग कहाँ पर रह रहे हो? आप लोग कहाँ पर? हम लोग यहीं पर है, 12 दिन से रोड के ऊपर है। इधर रात को मच्छर खाता है, सब कुछ है, लेकिन इधर कोई नहीं इसका सुनता है। अभी तक बच्चे लोग को बीमार है, सब हॉस्पिटल में जाता है, इधर उधर दवा लेता है। अच्छा, तो आपका घर खुद का था? मेरा घर खुद का था। प्रूफ वगैरह सब था? सब है, मेरा 22 साल से इधर रह रहे हैं, 22 साल से। कितने दिन से आपने खाना नहीं खाया? 8 दिन हो गया खाना। क्यों नहीं खा रहे हो? क्या करूँ, मेरा रूम टूट गया, रूम टूट गया, सामान अभी किधर दिया? यहाँ पे 19 तारीख से 20 तारीख से रूम टूट गया और ये रूम पार कर करके और बिल्डर ने जोर जबरदस्ती से अपना छुड़वा करके हम लोग को रोड पे लाए। आज इस जगह पर हम 22 साल से हैं, ये 7वां दिन है उपवास करके, फिर भी नहीं कोई सुनवाई है, कोई अधिकारी का भी नहीं, कोई सरकार का भी नहीं, किसका भी नहीं पता है यहाँ। इसके लिए हम यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, अपने हक के लिए और अपने घर के लिए। सरकार से अभी वही बोले हमको रूम दे दे बस, चाहे किधर भी नहीं चाहिए, हमको यहीं दे तो अच्छा, हमको यहीं चाहिए, हमारा यहीं सब अच्छा था। अब कहीं जाएंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बच्चे का पढ़ाई है, इतना डोनेशन वगैरह देके बच्चे लोग को स्कूल में डाले हैं, कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चों को ट्रेन से लाना ले जाना तो होगा नहीं। हमारा तो घर हमको मांगता है, हम इधर हटने वाला नहीं, मरेगा तो उधर मरेगा, जान जाएगा तो चलेगा, अपना हमारा घर इधर मांगता है, मुलुंड छोड़ के हम नहीं जाएगा किधर। ये तो बस संगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, मुंबई शहर। तो कब तक अनशन पर बैठोगे? मर जाएंगे जब तक रूम नहीं मिलेगा तब तक हम तक नहीं छोड़ेंगे। कौन मनता देना रे, घर नहीं जाएगा तब तक हम लोग जाने वाला नहीं इधर से। हम लोग तो यही मांग है, जब तक घर नहीं देगा तब तक हम लोग कैसे जाएगा इधर से? हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है, हम इतने दिन से रह रहे हैं, हमको घर नहीं चाहिए। बोलता है तुम्हारा 5 लोग अंगसा भूख हड़ताल बैठे मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, बिल्डर बोलता है। हमारे लोग हम इंसान नहीं है। अभी तो इतना भाड़ा है, किधर भी रूम देखने की जाएगा तो इतना भाड़ा मांग है। पहला इतना डिपोजिट भर लो तो अंदर जाओ, अभी किधर से क्या करेगा आदमी को, वो हाल हो गया। अगर बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा तो हम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, मर जाएंगे लेकिन अपने हक की लड़ाई पाकर रहेंगे। अगर ये समस्या हम पे ना आए इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर बचा घर बना आंदोलन के साथ में जुड़कर इस आंदोलन को और मजबूत बनाए। मुलुंड मुंबई से मैं सुलेखा सैयद, इंडिया अनहर्ड के लिए।